बताइएगा ना। हमको लग रहा मोदी जी को वोट दीजिएगा। जिसको देना होगा वो देने का टाइम में पाए, किसको देगा नहीं देगा अभी कैसे हम बोल नहीं बता रहे। मैंने कि मोदी जी को वो तो फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वही अब्बास सिद्दीकी, उसका कोई वजूद है? अखबार पढ़ रहे चाचा? कौन अखबार? सनमार्ग है। सनमार्ग पहला आज एक है आज का। देखिए हमारा केंद्र में मोदी जी है और राज में दीदी है। केंद्र में मोदी जी हैं, बढ़िया। नाम क्या आप चाचा? मेरा नाम है रामचंद्र साहू। साहू जी? रामचंद्र साहू। साहू साहू जी हैं, इसीलिए मोदी जी पसंद है। 92 सीट में 50 सीट भाजपा ले आएगी। 50 सीट आराम से ले आएगी अगर सुविधा अधिकारी का चल गया तब। नहीं चला तो? नहीं चला तो क्या दादा, वोट देते हैं? वोट देते हैं। काहे देते हैं? काहे देते हैं, वो अपना अपना देश का ही है, जो जिसको अपना जान रहता है वो देता है। और क्या, वोट देने का मतलब। कहाँ से हैं? है कहाँ से आके यहाँ बसे हैं? कहाँ से आके बसे हैं? हम तो बिहार से आके बसे। बिहार में कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा से यहाँ बस गए? नाम क्या हुआ? नाम रहमत करीम। रहमत करीम। करीम साहब किसको इस बार पसंद कर रहे हैं, मोदी जी ममता दी? जिसको बराबर देते हैं उसको देंगे, बात खत्म। मोदी हो या हो तो बराबर किसको देते हैं? मोदी जी को? मोदी को काय को देंगे, हम जिस जिस शहर में रहते हैं उसको दे रहे हैं। वही न पूछ रहे हैं चाचा, कौन पसंद है आपको, दीदी की मोदी? अभी सब पसंद है, मगर जो काम अभी कर रहा है उसको देगा। कौन कर रहा है? कोई भी कर रहा है, दे जिसको देना होगा उस टाइम में बोलेगा। बताइएगा ना। नहीं हमको लग रहा है मोदी जी को वोट दीजिएगा। जिसको देना होगा वो देने का टाइम में पाए, किसको देगा नहीं देगा अभी कैसे हम बोल नहीं बता रहे। मैंने कि मोदी जी को वोट दीजिएगा। अच्छा किसको देना नहीं देना टाइम आएगा तो बताएगा। ना ना डरने का क्या बात, जब हम डरेगा क्या? हाँ काम अच्छा, काम क्या अच्छा करती है दादा? काम के अच्छा के दीदी अच्छा काम करती है कि मैंने? दीदी तो अच्छा काम करते ही है, नहीं रहता तो अब तक कितना फसाद हो जाता है मालूम है। तो अभी मोदी जी खूब रैली उली कहले हैं योगी जी करने दी, जिसको जिसको अपना अपना पसंद है कर रहा कर रहा। पब्लिक जिसको जिसको भाएगा उसको देगा। आपको मैंने दीदी भाती बस बस आपको दादा? हाँ मेको ममता दीदी। मैंने अब्बास सिद्दीकी का असर इधर नहीं? कोई नहीं, कोई असर नहीं, वो तो फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वही अब्बास सिद्दीकी, उसका कोई वजूद है? कुछ नहीं है। हमको तो यही लगता है कि बरसाती मेंढक है, समझे? बरसाती मेंढक आया अभी निकल जाएगा। आप भी बिहार से बस के हैं जी? बिहार में कहाँ? बिहार डुमराव। डुमराव बक्सर उधर आरा तरफ जी? आरा पूरा शाहबाद। शाहबाद अच्छा, तो असर नहीं होगा अब्बास इधर? तो देखिए बंगाल में हम लोग का खास करके ऐसा है कि दीदी का ही है वोट जी, 99%। जब कांग्रेस को जिताने राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी नहीं आ रही है गोरेली, नहीं तो अब्बास सिद्दीकी कहाँ से आएंगे? अब्बास सिद्दीकी लगे हुए हैं तो लगने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। अखबार पढ़ रहे हैं चाचा? कौन अखबार? सनमार्ग है। सनमार्ग पहला आज एक है आज का। क्या खबर है पहला खबर? उतना दूर से तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए हम पढ़ देते हैं, चुनाव के दौरान केंद्रीय वाहिनी की भूमिका सवालों के घेरे में ममता। जो मलेटी आई हुई है उनको पहले तो यही दीदी बुलाती थी इलेक्शन में कि आर्मी भेजो, केंद्र को रिपोर्ट करती थी कि आर्मी भेजो। अभी जब आर्मी आई है तो उस पर अलचन लगा रही है कि ना वो केंद्र होकर केंद्र के साथ होकर के काम कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। तो ममता दीदी तो केंद्र के सब सरकार के साथ रही है ना, कभी भाजपा के साथ रही है कभी कांग्रेस के साथ, बहुत सारे कमरा दोनों के साथ में रही है। लेकिन अभी जो ये बंगाल में जो 21 का इलेक्शन है ये पूरा टारगेट का इलेक्शन है, मैंने दोनों में कोई कम नहीं है, भाजपा और तृणमूल दोनों एकदम टट ऊपर है, कोई ऊपर है, कोई कम नहीं है कोई बेसी नहीं है। 3 जिलों के DM व 4 पुलिस अफसर हटाए गए, प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है। अच्छा आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी अखबार पढ़ रहे हैं, कहाँ के रहने? हम झारखंड का रहने वाले हैं। झारखंड में कहाँ? कोडरमा जिला। अच्छा बंगाल के पहले 3 चरणों में 63 से 68 सीटें जीतेगी भाजपा, अमित शाह। कितना सही लगता है?
देखिए इतना नहीं, अगर जिस तरह से 92 सीट का इलेक्शन हुआ है इसमें हम खूब रखते हैं कि जी अगर नंदीग्राम में जैसे मेदिनीपुर में शोभन अधिकारी का गढ़ है, अगर वहाँ कहीं उसका अगर कहीं चल गया होगा तब तो धरिए कि वही तीन जगह मिला के 50 का लगभग 92 कई सीट में हुआ 92 सीट 92 सीट में 50 सीट भाजपा ले आई 50 सीट आराम से ले आएगी अगर शोभन अधिकारी का चल गया तब। नहीं चला तो? नहीं चला तो उसका तो ऊपर वाला है। मैंने शुभेंदु अधिकारी का नहीं चला तो? नहीं चला तो बोले तो 50-50 आशा रखिए दोनों का। मैंने भाजपा है जी? नहीं भाजपा आशा अभी है कि वहाँ पूरा लेगी जो हिसाब से इलेक्शन से मैंने शुरुआत से मैंने इलेक्शन का पहले से शुरुआत हो रहा है वो हिसाब से। अच्छा, क्या भाजपा ऐसा किया कि यहाँ पर इतना सीट ला रही? अब देखिए इतना तो हम लोग पूरा बतला नहीं सकते। अखबार पढ़ते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। पढ़ते हैं लेकिन डेली नहीं लेते हैं। इतना तो पूरा बतला नहीं। अभी इलेक्शन आपको कौन पसंद, मोदी जी की दीदी? देखिए हमारा केंद्र में मोदी जी है और राज्य में दीदी है। केंद्र में मोदी जी हैं? बढ़िया। नाम क्या आप चाचा? मेरा नाम है रामचंद्र साहू। साहू जी? रामचंद्र साहू। साहू साहू जी हैं इसलिए मोदी जी पसंद है? इसलिए मोदी जी पसंद है। मोदी जी जो केंद्र में आज से जब से मैंने हम होश संभाले हैं, जब से हम होश संभाले हैं तब से जितने भी प्रधानमंत्री को देखे हैं ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा तगड़ा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे। ऐसा क्या प्रधानमंत्री? माने जो प्रधानमंत्री आया है अभी नरेंद्र मोदी जो है ये हर काम में नंबर वन है। माने इसको कोई हिला नहीं सकता है। बाहर देश से लेकर के कहीं भी हर देश में इसका इज्जत है। किनका इज्जत नहीं था? अटल जी का, इंदिरा गांधी? देखिए अटल जी भी रहा, अटल जी को भी इनसे ज़्यादा इज्जत मिला है लेकिन अटल जी को चलाने नहीं दिया है, सब मिल करके उसको एक किया है। इंदिरा गांधी नहीं? ठीक थे। इंदिरा गांधी का युग में देखिए इतना मीडिया नहीं था, आप लोग नहीं थे, टीवी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। अभी तो मिनटों मिनट में खबर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पहुँच जाता उस समय रेडियो में पहुँचता था? उस समय रेडियो में पहुँचता था, रेडियो भी बहुत कम आदमी के पास था, सबका पास नहीं। यानी मीडिया का बहुत असर है मोदी। हाँ अभी है, अगर आप अभी यहाँ कुछ कर रहे हैं तुरंत पूरा हिंदुस्तान में खबर पहुँच जाएगा। अच्छा साहब जी, मोदी जी दो चार वो काम बढ़िया बढ़िया बता दीजिए, बहुत अच्छा। देखिए हमको दो चार ठो काम ने हमको मेन काम लगा अच्छा, वो जो आपको नाम हम अभी नाम आज नहीं है, वो जो पायलट जो स्ट्राइक किया रहा, एयर स्ट्राइक किया रहा, उसमें पायलट को मैंने अभिनंदन, उसको बिना मैंने खरोच का उसको छुड़ा लिया है। एक तो एक काम बहुत अच्छा लगा। दूसरे नंबर चीन जो अकर दिखाता था उसको अकर ही ख़त्म कर दिया, ये भी अच्छा लगा। अच्छा रह गया नोटबंदी GST और कुछ जो किया है वो तो सब कांग्रेस का ज़माना में सब एक किया हुआ रहा, लेकिन वो लोग का हिम्मत नहीं था कि हम लागू करें, लेकिन मोदी जी लागू कर दिया है। और अभी भी जो हिसाब से देखिए कोरोना काल में जो हिसाब से अभी कर रहा है कि अगर दूसरा प्रधानमंत्री उधर चीन में झमेला, इधर कोरोना काल, इधर महंगाई, हर चीज़ माने तो दूसरा प्रधानमंत्री रहता ना तो लड़बड़ा जाता है हिंदुस्तान, लड़बड़ा जाता है, लेकिन ये फिर भी टिका हुआ है एकदम ज्यों कहते हूँ। पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी थी अमेरिका धराशायी हो गया था, वही तो बोले उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना, अब उतना पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, अब भारत में कुछ नहीं उतना पहले का अगर पूछेगा आर्थिक मंदी। हाँ तो चाचा आप बोले ना कि एयर स्ट्राइक हुआ, अभिनंदन को रिहा किया गया, रिहा किया गया जिनेवा संधि के तहत, कर जो भी किया हुआ था 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बहुत अच्छा लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में ये संधि की गई थी, उसके तहत सुरक्षित हमारे अभिनंदन आए और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। नहीं हाल फिलहाल का जो नहीं, जिस संधि के तहत अभिनंदन जी आए, एक हुआ था एग्रीमेंट, आप एग्रीमेंट समझिए कि भाई आपके सैनिक आप हमारे यहाँ चल गए, हमारे सैनिक आपके यहाँ चल गए तो उनको सुरक्षित हमारे 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 देश में भेजना होगा, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम को, उसी के तहत अभिनंदन सुरक्षित आए, ना कि मोदी जी के चलते आए, समझे। तो और चाइना की बात करते हैं, चाइना तो घुस गया जी आपके देश में? चाइना कहाँ घुसा? नहीं घुसा। देखिए चाइना
आप पार्टी राजनीतिक में तो ये सब होता है। हम एक चचा साहु जी, जैसे रेलवे प्राइवेट हो रहा है ये सब जानते हैं कि नहीं? अखबार उतना बोलिएगा, हम उसको विषय में एल आई सी प्राइवेट हो रहा है वो सब के विषय में, बजट उजट में बैंक को प्राइवेट करने वो सब के विषय में हमसे पूछेगा। अच्छा, ये सब के बताया आपको कि चाइना डर गया भारत से? अब जैसे हम लोग तो देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर कभी कभी पढ़ते हैं, इस समय समझते हैं, और उतना जब हमको पूछेगा तो उतना हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और नहीं हम तो पढ़े लिखे तो एकदम है नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं खबरिया? वही आपका संगति में रह के थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखिए। अच्छा, कुछ ही करते हैं? हम टूल का सुपरवाइजर थे, लेकिन ऐसा लोग सब नेता लोग का किया है, उम्र का हिसाब से 60 का बेसी हो गया, रिटायर हो जाओ, रिटायर कर दो, वो करके हटा दिया है। अभी क्या करते हैं? अभी बैठे हुए हैं, 14 महीना हो गया बैठे हुए हैं। रोजगार रोजगार को लेकर सोचते हैं? नहीं, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं? सोच रहे हैं, रोजगार तो कोई नहीं दे रहा है, मोदी जी दे रहा है, नहीं दीदी दे रहा है, रोजगार तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अब कुछ सोचना होगा, नहीं तो पेट भी तो चलाना है। बाकी मोदी जी केंद्र में ठीक है, बंगाल में दीदी? बोले तो बंगाल में दीदी, केंद्र में मोदी, तो इनको पसंद है केंद्र में मोदी और बंगाल में दीदी साहु जी है ना। चलिए ठीक है, सफर जारी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत।